गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम नेत्राम था। प्रश्न दो, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, महर्षि दयानंद के व्याख्यानों की उस समय भारत में धूम मची हुई थी। इन व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूमकर वैदिक प्रचार करने लगे। प्रश्न तीन, महर्षि दयानंद का निर्वाण होने पर उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? उत्तर, जब सन 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। प्रश्न चार, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे चलता है? उत्तर, धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की इन्हें इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्णशैया पर पड़े हुए भी ये वहाँ अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे और विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किए। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो तो समाधान कर लो, दर्शनानंद जा रहा है, फिर न कहना। प्रश्न पाँच, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? उत्तर, स्वामी जी का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।